चलिए हमारा चैनल ये लुक स्मार्ट न्यूज चैनल की पूरी टीम हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के राज्य के बलिया जनपद में। बलिया जनपद जो सीमावर्ती बिहार से सटा हुआ सारण लोकसभा क्षेत्र, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का सीमांकन इसको कह सकते हैं, लेकिन हैं हम प्रदेश में योगी जी के बुलडोजर बाबा के क्षेत्र पहुँच चुके हैं। हम हाल में दो दिन पहले भी आपको योगी जी और बुलडोजर बाबा बिहार में गए थे, मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग किया उनका, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं आप। लेकिन कहना सुनना और धरातल ग्राउंड लेवल पर जाना, आज हमारा एक पक्षीय ये चैनल नहीं है कि कल ओके लोग कहेंगे कि आपका चैनल ये बीजेपी के कार्यालय में गया बलिया में, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम टटोलते टटोलते पता लगाते लगाते आखिर जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ा तब तक खड़े थे नेताजी बगल में, फर्स्ट मीट हम लोग हो चुका है लेकिन नामावली का भी नहीं हुआ, जो हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। हम पहुँचे हैं आपको इंडियन गठबंधन विधानसभा बेरिया, लेकिन है ये लोकसभा है 12 बलिया के क्षेत्र में। और जहाँ ये चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, पहले ये पोस्टर को आप इधर जा घुमा देंगे आप, ये पोस्टर देख सकते हैं आप, इंडिया गठबंधन विधानसभा बेरिया लोकसभा 12 बलिया कैंप कार्यालय स्थान अंचल निवास चिड़ैया मोड़ बेरिया बलिया सनातन पांडे जी का है। जयप्रकाश अंचल जी का भी लगा हुआ है फोटो, दशरथ प्रसाद जी के प्रत्याशी लोकसभा ये। चलिए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए आप। जी राजकुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। यहाँ से कौन खड़े हैं यहाँ से प्रत्याशी में? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदरणीय सनातन पांडे जी। पहले सनातन पांडे के बारे में बताइए हमारे चैनल के बारे में कि क्या है, क्या करते थे, कुछ बताइए इनके बारे में पहले। आदरणीय सनातन पांडे जी पेशे से पहले इंजीनियर थे, इंजीनियर के पद पर सरकारी क्षेत्र निगम में नौकरी करते थे। उसके बाद से राजनीति में आए, राजनीति में ये रसड़ा विधानसभा, उस समय चिलकहर विधानसभा था, रसड़ा नहीं था, तो चिलकहर विधानसभा से आपने निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिला किया था और चिलकहर विधानसभा ने उस समय इनको, इसलिए कि इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, जनता की पकड़ इनको बहुत ज़्यादा है, जनता में प्यार बहुत बरसाते हैं अपना, आज उसी का दिन जनता और प्यार आशीर्वाद जनता के बीच में मिल रहा है। उसने निर्दल के रूप में विधानसभा में अपने निकटतम प्रत्याशी को मात दिया, उस समय उस जमाने में वो 28,000 वोट पाए थे निर्दल से, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, समाजवादी पार्टी से वो दमदारी से चिलकहर विधानसभा से चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते भी, दसरा से भी लड़े, फिर पूर्ववर्ती सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी, हम लोग की पार्टी जो है, उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया और जनता के जो आशीर्वाद स्नेह मिला इतना दमदारी 13 दिन के अंदर चुनाव लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मस्त जी बीरेंद्र सिंह मस्त जी ने 2 महीना पहले टिकट लेकर आए थे, लेकिन वो 2 महीना के उनके मेहनत को इतना लोकप्रियता इनके ऊपर अंदर है और इतना जनता के बीच में अपना प्यार बरसाते हैं कि 13 दिन में उनके चुनाव को परास्त कर दिए, उनके मेहनत को परास्त करते हुए और चुनाव में फतह लहराया और जनता ने उनको जिताया, लेकिन सरकार ने उनको जबरदस्ती चुनाव हरा दी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2019 के जनता के जिताए हुए संसद आदरणीय सनातन पांडे जी हैं और सरकार द्वारा जिताया हुआ संसद आदरणीय मस्त जी हैं। फिर समाजवादी पार्टी ने उन पर फिर पुनः एक बार भरोसा जिताया है और 2024 के उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया और जिस तरह से जनता के बीच में प्यार और आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है, आप तो मीडिया है, चौथा आश्रम है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता भी लगता होगा, आप तो चैनल, आपका चैनल खुद का है और आप गांवों में जाएंगे तो पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सर्वे करते हैं 400 लोग में आपको एक ही बात कहेंगे, हम तो पार्टी वाले हैं, हम तो जाएंगे तो कोई यही कहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आया है तो ये कहेगा हम आपको वोट देते हैं, ये जनरल बातें आम जनता की बात है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको सत्यता पता लगेगा। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमदारी से पक्ष खिलाया, गाँव में अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है? गाँव में देखने को मिलता है, अगर आप 400-500 लोगों से सर्वे करेंगे तो उनको 100 लोग वोट देने के लिए कहेंगे और 400 लोग कहेंगे कि हम आदरणीय सनातन पांडे जी को वोट देंगे, ये हमारी बात कहने वाला नहीं है, हम पार्टी के हैं, हो सकते हैं हम अब झूठ बोलते हो, आप गांव में इसका पता लगाइए,
आपके प्रदेशा सामने आएगा, जनता का सत्य पता लगेगा, और जो अंधकार में छिपा है वो निकल कर छन कर सामने आएगा कि हाँ सत्य क्या है। दमदारी से क्या रखेंगे वो चुनाव? भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कहे कि भारतीय जनता पार्टी से दमदारी से अपना पक्ष रखा, बुलडोजर बाबा अभी आपने नाम रखा, कितने गरीब पर तो बुलडोजर चला, जो भुजोपड़ी बनाकर रह रहा है, हो सकता है वो जनरल जीएस का ही जमीन हो, ग्राम समाज का ही जमीन हो, लेकिन इस समाज में हम लोग का लोकतंत्र का पालन है देश में, और लोकतंत्र में सबका अधिकार मिला है, रहने का, खाने का, जीने का, आज़ादी मिली तो हम लोग यही, हम लोग का पूर्वज महापुरुष लोग यही सोचे होंगे कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन आज प्रतंत्रता की स्थिति आज भी कायम है, आप गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कितने माफिया पर बुलडोजर चलाए, जात देखकर बुलडोजर नहीं चलता है श्रीमान, आप लोग भी इस बात को कहिए, जात देखकर बुलडोजर नहीं चलता है, गरीब देखकर बुलडोजर नहीं चलता है, धनवान देखकर बुलडोजर, न्याय सबके लिए है। अगर वो भी जमीन कब्जा किया है, गरीब आदमी अपने 2 गज के जमीन लेकर अगर अपना झोपड़ी बनाया है, वो अपराध किया है, और लोग हजारों हजार बीघा का जमीन कब्जा करके बैठे, वो अपराध नहीं है, उसका बुलडोजर नहीं चलेगा, इसलिए वो आपके पार्टी का है। आपके पार्टी में कोई चला गया वो बहुत साफ हो गया, दूसरे पार्टी में है तो आप छापा मरवाएंगे, ये कहाँ के न्याय हैं? कौन सी आप बात करते हैं? 5 किलो राशन की आप बात कर, अभी हम प्रचार सुन रहे थे सर, एक दिन हमारे कार्यालय के सामने खड़ा थे, कार्यालय के सामने से उनका प्रचार की गाड़ी एक जा रही थी कि 5 किलो अनाज पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को उड़ा, आप किसको क्या करें? भारत की जनता है, ये भारत की जनता को आप क्या समझ रहे हैं? भिखार समझ रहे हैं? ये क्या करें कि 5 किलो अनाज पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को, कितना बड़ी अपमान आप कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने, इस जनता को, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये देवतुल्य जनता को आपने क्या कह रहे हैं? 5 किलो अनाज पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, इसी के लिए आज लोकतंत्र, 75-80 साल बाद यही भारत के नागरिक देखना चाहता था। आपने रोजगार पर बात करता था, जैसे आपके बिहार में तेजस्वी यादव ने डंका के चोट पर, जो गठबंधन में है, डंका के चोट पर कह रहा है कि हमने नौकरी दिया, आपने किसको कह रहे हैं कि नौकरी दिया? कह रहे हैं कि आप नौकरी दिया, ठेकेदारी के नाम पर नौकरी दे रहे हैं, बच्चे को शोषण हो रहा है, उसमें आप पैसा, आपके ठेकेदार पैसा लेकर 11 महीना की नौकरी या 1 लाख रुपये पैसा लेकर, ये सुनने को हम लोग बार बार मिलता है। क्या यही दिन देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया था जनता ने? ऐसे अगर भारतीय जनता पार्टी के जनता ने अगर वोट देने के लिए, और आपको समझ में आता है कि जनता हमको इसी के लिए वोट बनाई है, तो आपके ऐसे कारनामे पर जनता पछताप कर रही है, और वो पछताप आज देखने को मिल रहा है कि जनता एक तरफा लहर बढ़ा रही है। आदरणीय संत, हम तो नहीं जानते हैं लेकिन बर्ती बलिया की स्थिति हम देख रहे हैं कि एक तरफा जनता जाती है, सनातन पांडे जी का नारा लगा रही है, और 2024 में गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, और जनता के वादा को भारतीय समाजवादी पार्टी और महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण करके दिखाएगा, इसलिए कि आदरणीय अखिलेश यादव ने दो, आपको भी पता होगा कि 2012 में जो घोषणा उनका किए थे उसका वादा करके दिखाया, हम समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी हैं, लड़ने के आदी हैं, संघर्ष करने के आदी हैं, आज जनता में जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, आज ने ये मिसाल कायम है, हम लोग मुंह से नहीं कहते हैं, हम लोग 2 करोड़ रोजगार देख कह के और 2 करोड़ रोजगार छीनने के काम नहीं किए हैं, हमने रोजगार देने का किया, हमने कहा था कि शिक्षा मित्रों को कि हमने परमानेंट करेंगे तो हमने परमानेंट करके दिखाया, लेकिन आप उसी शिक्षा मित्र को फिर 10,000 पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है, उनके परिवार नहीं है? आपने उस पर कमल किया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या उनके रोड पर पीठ पर उनके पेट पर लात मारने का काम किया? जनता अपना कमर कस कर तैयार है आपको जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वालों लोग सुन लो, जनता ये कमर कस के तैयार है आपको जवाब देने के लिए, और 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता के सारे वादा पूरा होगा। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज मत चिल्लाइए, विकास की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, बिजली पानी सड़क शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य
ये छह भी आपका फेल है समाज के। आप भी जानते हैं कि समाज के छह स्तंभ बिजली पानी सड़क शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य, बिजली पानी सड़क आपके ये बहुत भौतिक सुख हैं, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य आपके सामाजिक सुख हैं। ये छह पर कितना आप काम कर रहे हैं आपके आत्मा से आप भारतीय जनता पार्टी पूछ कर देख लो। 5 किलो अनाज पर भिखारी देश को मत बनाओ, रोजगार दो उनके, अपने कदमों पर खड़ा करने के काम करो। ये बहुत बड़ा शर्म की बात है श्रीमान, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आप इसको मीडिया के अंदर, अपने सोशल मीडिया और अपने माध्यम से जनता को बताइए कि सत्य क्या है और जनता का विकास कैसे होगा। आगे हम क्या कहें, आपका जो आदेश होगा वो कहेंगे। पांडे जी, आपने तो इतने तरीके से एक विस्तार में एक सांस में कौशल शुरू किया, छत्र ज्ञा कर दिया, समाप्त कर दिया। आप तो एक चीज़ और कह दीजिए, कितने सीट आप भारतवर्ष में ला रहे हैं आप? देखिए, ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट पा, हम आप वही आप ही का बात हम कर रहे हैं। ये देवतुल्य जनता की निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। हम उनके चरणों में जाकर अपना बंधन अर्जन विनती कर रहे हैं, अपने कार्यों को बता रहे हैं, अपने व्यवस्थाओं की बता रहे हैं। भगवान को खुश होंगे, कितना सीट पाएंगे बताइए भगवान। हम तो श्रीमान हम यही कहना चाहते हैं, भगवान के दरबार में हम जाएंगे, इस जनता के दरबार में जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि कितने हम कम सीट मांगेंगे, हम अधिक से अधिक सीट मांगेंगे। हम तो चाहेंगे कि 545 है ना, 545, तो हम तो चाहेंगे कि जनता हमको 545 सीट दे दे, उसकी अर्जी उनके चरणों में हम करेंगे। हम चैलेंज नहीं करेंगे, ये जनता के निर्णय हमारे हाथ। सीट मांगिएगा तो मोदी जी हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो चले जाएंगे, अब जाने वाले हैं, गुजरात भी जाने वाले हैं। जनता अब जान चुकी है ये ढोकोसला ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, झूठ के दम पर कितना दिन सरकार चलेगी। आपने कहा तेजस्वी यादव जी युवा हैं, इधर अखिलेश यादव जी हो गए, ममता जी के भतीजा अभिषेक जी हो गए, या राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई, और आपको ये उद्धव जी के पुत्र हो गए, साउथ में कुछ लोग टी राजा वगैरह के बहुत से लोग हैं, जोड़ दिया जाए तो अच्छी खासी आपकी T20 की टीम भी आपकी मजबूत है। हम सब जानते हैं सर, लेकिन देवतुल्य जनता की निर्णय की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। ये हम मोदी जी जैसा और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि हम सीटिंग करके बैठे हैं। आप जनता के निर्णय को सीटिंग करने का मतलब तो आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आप 400 सीट पार बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? जनता के निर्णय आपके हाथ में है। अभी आपने 545 बता दिया। हमने तो नहीं, हमने ये कहा कि जनता से अर्जी करेंगे 545 हमको मिल जाए। हम ये नहीं कहे कि हमको मिल जाएगा, ये जनता देवतुल्य जनता, हम देव जनता जो होती है भगवान होती है, उनके दरबार में हम अर्जी लगा रहे हैं। पांडे जी, ये आपके यूपी में 80 सीट है, 80 सीट पर कितना मारेंगे बाजी आप? अब तो ये समय बताएगा सर, जैसे लोग कह रहे हैं कि 80 पार यूपी में, तो अब ये 80 पार नहीं सर, ये यूपी पार होने जा रहे हैं। यूपी में इनका खाता भी नहीं खुलेगा और गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी, यूपी में इनका खाता खुलने वाला, इसकी सच्चाई अब लोग जान गए हैं। ये 80 पार नहीं, 400 पार नहीं, ये यूपी पार होने जा रहे हैं। यूपी में इनका कोई स्थान नहीं है, देखने को मिलेगा सर आपको तो 1 तारीख अब सामने है। जो बता रहे हैं, तो आखिर बुलडोजर बाबा जो बुलडोजर के ने यूज़ किया उत्तर प्रदेश में, एक से सुरमाओं को, मजबूतों को, अपराधियों को ध्वस्त कर दिया है, तो इस तरह से अखिलेश जी ने तो नहीं किया था श्रीमान जी। बुलडोजर बाबा ने कितने अपराधियों को ध्वस्त किया ये आपसे छिपा नहीं है, आप ही सुनना चाहते हैं। आपसे छिपा नहीं है, इसलिए नहीं छिपा है कि बुलडोजर आपके यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोग के लिस्टेड आपको, आपको भी वो वीडियो चलता होगा, आपको भी मिला होगा, उसमें कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक लिस्ट चल रहा था जो कि समाज के लोग था। समाज देखकर बुलडोजर नहीं चलेगा, वो अपराधी नहीं हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये जनता की दरबार है। क्या उसमें से कितने लोगों को बुलडोजर बाबा ने चलाया, आप एक लोगों को बता दीजिए कि उस पर बुलडोजर चला है, तो हम मान जाएंगे कि आप निर्णायक हैं और आपका, आप संत हैं, आप साधु हैं और आप निर्णय लेते हैं, लेकिन आप जात देकर निर्णय लेते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, बताइए कि बीच बीच में कई आपका, हमने टीवी पे देखा कई जगह
कि सपा के एक मौर्या साहब नेता पता नहीं शायद अब हट गए हैं, पर आपके दल के कई MPs हैं जो मुस्लिम हैं, तो ये आप लोगों को भगवंत राम से सनातनी से नफरत क्यों होता है? ये श्रीमान, सनातन धर्म से किसी को नफरत नहीं है। वो उसी दल का चट्टा बट्टा था जिसको आप कहना चाहते हैं। इसके पहले वो पूर्व सरकार के, उत्तमान सरकार के वो मंत्री रह चुके हैं। हमको तो ये लगता है कि संदेहात्मक मिली भगत से वो आया था, हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए आया था। उस गोल का वो चट्टाबट है, आज उसी गोल में चला गया, वो नाम नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, इस वीडियो को काटिएगा, इस वीडियो को अगेन क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो को काट के चलाइए तो जो बोल रहा है। हाँ, तो क्या बता रहे थे जो चीट करके आए थे भगवान, जो नफरत करते थे जो स्वामी मौर्या साहब जी, उनके बारे में क्या कहना है? श्रीमान, अभी आप सब गए हम कि उस गोल के चट्टा बट है पोल खोल पहली बार बलिया जनपद में पहुँचे हैं। ये पहली बार, पहला चैनल, ये एक अजीब टाइप का, सपा के खुद स्वयं एक जिले आपके जनपद लेवल का नेता जी हैं, यहाँ के पूरे कार्यभार संभाला भी है, इनके जो बातें में है दमखम, सुने आप हमारे चैनल से। श्रीमान, ये कह रहे हैं हम कि वो भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो श्री राम को बदनाम करने का मुद्दा क्यों नहीं उठाए? वो भारतीय जनता पार्टी में थे तभी भी ये मुद्दा उठा सकते थे, तो उस समय क्यों नहीं उठाए? लेकिन जब समाजवादी पार्टी में मिली भगत द्वारा जब आए तब उनको ये लगा कि हम राम को नहीं मानते हैं, राम को भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम को कौन नहीं मानता है, अपने पूर्वज को, अपने माता पिता को अपना नाम नहीं लेते हैं। उन आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी से पूछा जाए कि क्या अपने पिता को भी आप दोस्त कुछ दिन बात करते थे कि हम नहीं मानते हैं, हमारे आदर्श हैं, भगवान प्रभु राम हमारा आदर्श हैं, हम अपने भगवान प्रभु राम को, आदर्श को अपने कैसे भूल सकते हैं? भूल सकते हैं, आप ही बताइए, भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। लेकिन वो यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो नहीं भूले थे, जब समाजवादी पार्टी में मिली भगत द्वारा आ गए तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम को भूल गए, अपने आदर्श को भूल गए, आप नहीं मानते हैं। ये तो लगता है ना कि मिली भगत के द्वारा ये चीट किया जाता है, हमारे पार्टी के साथ छल करने के लिए वो आए थे। सबसे ज़्यादा आप भी देखते होंगे, वीडियो चलाए होंगे, डिंपल यादव जी का नाम, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी नवरात्र की व्रत करती हैं और नौ कन्याओं को खिलाने के काम करती हैं। आखिर अखिलेश जी द्वारा इतना पूजा करने वाला उतना परिवार कोई नहीं है। अभी तो आपने कभी अखिलेश यादव जी के मुँह से ये बात सुने? सेकेंड वीडियो में प्लीज सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, इस बात को भी सुने आप। आज है पोल खोल, सत्यता की आज की पुष्टि होती है बलिया जनपद से। क्या अखिलेश जी पूजा करते थे? अभी तो लोगों के मन में है कि अखिलेश जी सनातनी विरोधी हैं, ये राम के विरोधी हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के मिस्टर पांडे के क्या कहना, सुने आप। आप भी वीडियो देखे होंगे आदरणीय डिंपल यादव जी का, वो नवरात्र की व्रत करती हैं, कन्या पूजन करती हैं। क्या हिंदू धर्म में ये नहीं होता है? क्या आपसे पूछ रहे हैं हम, आपसे एक सलाह ले रहे हैं, क्या हिंदू धर्म में के नौ कन्याओं खिलाने का क्या डिंपल यादव जी अकेले करती हैं, क्या और हिंदू धर्म के माताएं बहनें और लोग करते हैं? तो क्या हिंदू धर्म के वो पालन नहीं करते हैं? ये हिंदू धर्म नहीं है। अखिलेश यादव जी क्या विंध्याचल जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं, मथुरा नहीं जाते हैं? आप जब आपने जब अयोध्या को राजनीतिक मुद्दा से बना दिया, आप अगर आज के स्थिति ये हो गया श्रीमान कि जय श्री राम के नारा लगाएंगे तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे? ये भाजपा वाले हैं। आपने भगवान राम को एक पार्टी बना दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस भारत को? किसके नज़र में, किसके हृदय में भगवान राम नहीं है? कौन राम को नहीं मानता है? कौन कृष्ण को नहीं मानता है? कौन मध्याचल मंदिर में दर्शन करने के लिए ललायत नहीं होता है? माता के आशीर्वाद जिसको मिलता है वो जाता है, सब नहीं जा पाएंगे, जिसका आशीर्वाद मिलेगा वही उस दरबार में जाएंगे। और आप उसको क्या कर रहे हैं? आप इस कह रहे हैं कि पार्टी, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है।
आप इस एक भगवान राम को पार्टी बना दिए कि अगर कोई श्री राम का नाम लेता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले, कितना दुर्भाग्य की बात है। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, भगवान को तो छोड़िए, भगवान के राम पर राजनीति करना बंद कर दिया। आपसे आग्रह है इस बात को, विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़े, बिजली पानी सड़क पर चुनाव लड़े जो अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य पर चुनाव लड़े जो अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, यूनिवर्सिटी खोलने की बात कीजिए, हॉस्पिटल खोलने की बात कीजिए, एम्स खोलने की बात कीजिए, इसलिए विकास की मुद्दा की बात हो। प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप थैंक्स देते हैं कि बोलते हैं कि यूपी के युवराज, बिहार के युवराज, देश के युवराज, इतने बड़े प्रधानमंत्री होकर यूपी के युवराज मतलब अखिलेश यादव जी, बिहार के युवराज तेजस्वी यादव जी, देश के युवराज आपको राहुल गांधी जी, इतना अच्छा बोलते तो उनको बधाई आप क्यों नहीं देते हैं? आप पहले से इन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह से राजा युवराज बता रहे हैं, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया आपका? आप बंगाल का वो वीडियो भूल गए होंगे, चाहे आपको याद होगा, ओ दीदी, एक सम्मानित देश के महिला को साथ कितना आप दुर्व्यवहार और कितना अपमान उस महिला को करते हैं, यानी भारत के महिलाओं का अपमान करते हैं। ओ दीदी, आपका उम्र है ओ दीदी कहने का, कितना दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी है, उम्र नहीं होता उसमें। अच्छा, उम्र नहीं होता तो कुछ भी आप कह देंगे? देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के हेड हैं ना, सब कुछ हैं, मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। कुछ अपवादी शब्द होता है ना कानून में, हमारे हमारा भी प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं हमारा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी पूरा भारत के प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन हम एक सही चलान देंगे कि हमने अपने देश की महिलाओं को चिढ़ाने जैसा ओ दीदी हम नहीं करेंगे। तो युवराज शब्द कहना उसके लिए हम बधाई के पात्र हैं कि हमारे नेताओं की वो युवराज कह रहे हैं, लेकिन युवराज में राज छिपा हो इसको हम स्वीकार नहीं। तो राज की बात राज में रहना दिया, राज में रहना। चलिए, आज अच्छा लगा, हम पहुँचे हैं बलिया जनपद के आपके सपा कार्यालय, सपा कार्यालय मतलब कि आपको कह सकते हैं इंडिया गठबंधन विधानसभा बलिया के कार्यालय में। बेवाक तरीका से जो पांडे जी ने बातों को रखा, बातें सुनने लायक है। इनके बातों में देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने बताया, वैसे तरीक़ों को हम चाहते हैं कि जितने जो बड़े चैनल्स हमारे ब्रदर हैं, एबीपी चैनल है, वो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें ऐसे बड़े चैनलों पर छूट रही हैं जो आज हमारा चैनल आज इसको आज उजागर करेगा, आज इसको प्लेसमेंट करेगा। तीन बातें खुलकर आई यहाँ पर। ये आश्चर्य बात हुआ कि ये मौर्या साहब भी जो पहले बीजेपी में थे तो उन्होंने भगवान राम के विरुद्ध सनातनी का कहीं आवाज़ नहीं उठाया। आवाज़ कब उठाया? तब इस पार्टी में आया, पहली बात। दूसरा बात उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी जो कहते सनातनी विरुद्ध हैं, जो इनके अनुसार बताया गया कि उनके धर्मपत्नी डिंपल जी नवरात्र करती हैं और ये काफ़ी पूजा करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के बारे में बता दिए, वो पूजा करते ही नहीं, वो तो के हवाई जहाज में काट देते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर में कल देखें कि केक काट के खा रहे हैं कि मछली का डंडा ही लाते हैं, उस पर क्या कहना है आपको? श्रीमान, हम यही कहेंगे कि कुछ व्यक्तिगत जीवन होता है, वो भी हेलीकॉप्टर में कुछ व्यक्तिगत जीवन होता है। वो हमारा नेता है और बिहार राज्य का वो एक भावी मुख्यमंत्री भी है। अब केक काट कर खाना, आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं, ये शब्द ये कोई मतलब नहीं है। तो आप खाइएगा, हम देख के हमारा मुंह पानी आ गया। नहीं नहीं, आप उस जगह पर नहीं थे इसलिए आपको इनवाइट नहीं हो पाया, आप नहीं खा पाए, लेकिन ये आम चूस कर खाते हैं, आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं, ये कोई शब्द नहीं है। बात तो ये है कि ये अपना व्यक्तिगत दिनचर्या है, व्यक्तिगत जीवन है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई बाइबिल को मानता है, तो ये अपना अपना विचारधारा है। हमारा भारत पवित्र है, ये गांधी जी ने पहले कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये ऐसा भारत देखने को हम लोग को मिलता है। इस पर भाई 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 ऐसा पवित्र देश को हम लोग बदनाम न करें, इसके लिए हम आपको भी सलाह देंगे और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी सलाह देंगे कि ऐसा बात करने से बचें, यानी कि आपकी सलाह मानी जाए। चलिए, हमारे साथ चलिए बेवाक तरीका से रहा पांडे जी का। चलिए, बहुत अच्छा लगा पांडे जी आपके साथ। अभी जितने पीछे जो समर्थकों बैठ रहे हैं, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि जो सनातन पांडे जी के बारे में, जो उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने जो बताया,
निश्चित तौर पर जो अच्छा काम करेगा, जनता जिस पर खुश होगी, जनता करेगी फैसला 1 जून को, फैसला होगा 1 जून को। अब देखा जाएगा 4 जून के कितने के धड़कनें रुकती हैं, कितने की तबीयत खराब होती है। कुछ नेताओं के एलिगेशन है बीजेपी का कि उस दिन हवाई जहाज के कितना टिकट कट चुका होगा, कोई सिंगापुर जाएगा, लेकिन अभी तक इनके नेताओं ने नहीं कहा कि अगर बीजेपी अगर डिफेम होती है ये नेता कहाँ जाएंगे। चलिए फिर मिलते रहेंगे आपको, सभी को इकट्ठे जय हिंद।